क्वेश्चन गेट वन टू के अंदर 2 मार्क्स के लिए आ गया है, यहाँ पे जी वन और जी टू दो गेट दे रखे हैं और इनके प्रोपेगेशन डिले दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं। जी वन का दे रखा है 10 नैनोसेकेंड और जी टू का दे रखा है 20 नैनोसेकेंड। और साथ ही साथ इसने बोला है कि जो वी आई है वी आई में चेंजेज आ रहा है 0 से 1 एट टी इक्वल टू टी नोट। अब बस यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला प्रिंट नहीं किया, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक ये थी कि यहाँ प्रिंट नहीं किया गया कि वास्तव में वी आई क्या है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो वी आई है वो डायग्राम भी दे रखा था इस क्वेश्चन में, टी नोट पर 0 से 1 का होता हुआ, ये वी आई था। 0 से 1 कहाँ हो रहा था, टी नोट पे। वैसे तो उसने लिख रखा है तो उससे कोई समझ में नहीं, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि वी आई के अंदर 0 से 1 तक एब्रप्टली चेंज आ रहा है टी नोट पे, तो उससे भी समझ में आ रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मुझे ध्यान है कि डायग्राम भी दिया होता तो फिर तो आपको और समझ में आ जाएगा कि अब वी आई का डायग्राम ये है तो वी नोट का डायग्राम आपको बनाना है। बहुत सिंपल है, अगर वी आई का डायग्राम ये है तो वी नोट का डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आप हम? तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम वी आई के डायग्राम के बाद जी वन के यहाँ पर जो डायग्राम है वो बनाते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ ये एक्स है तो एक्स का डायग्राम बनाते हैं और फिर इसके बाद वी नोट का डायग्राम बनाते हैं, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा एक और चीज़ कि जब आपके इस जी टू का भी डिले है तो अच्छा रहेगा कि एक बार आप वी नोट का डायग्राम बनाने से पहले वी नोट डैश का डायग्राम बनाइए जब जी टू में डिले नहीं होता, तो उसके बाद वी नोट का डायग्राम बनाइए जैसे मैंने क्लास में बताया था, तो आपके लिए आसानी रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखते हैं यहाँ पे अगर वी आई कुछ इस तरह से, तो मैं ओवरले भी कर देता हूँ यहाँ पे, वी आई अगर डायग्राम ये है तो जी वन का डायग्राम क्या होगा। जी वन में डिले है 10 नैनोसेकेंड का, तो जी वन का अगर डिले है तो जी वन इन्वर्टर गेट है, यानी कि 0 से 1 हो रहा है तो ये 1 से 0 कर रहा होगा, 1 से 0 कर रहा होगा लेकिन डिले के साथ, कितना डिले के साथ, 10 नैनोसेकेंड के डिले के साथ, यानी कि ये 10 नैनोसेकेंड डिले के साथ कर रहा होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टी नॉट प्लस 10 नैनोसेकेंड आना चाहिए, टी नॉट प्लस 10 नैनोसेकेंड आना चाहिए। नाउ अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वी नॉट है वो क्या होगा, तो वी नॉट अगर जी टू में डिले नहीं होता तो क्या आता, तो मैं बोलूँगा कि ये तो एक्स का डायग्राम बना दिया आपने, अब मैं वी नॉट डैश का डायग्राम बना रहा हूँ, अगर डिले नहीं होता तो क्या आंसर आता। तो उस केस के अंदर देखिए आपको एक्सोर करना होता है और एक्सोर का आंसर क्या आता है, एक्सोर हमें पता है कि सर जब अपोजिट होते हैं तो 1 देता है, सेम होते हैं तो 0 देता है, तो टी नॉट से टी नॉट प्लस 10 तक तो ये 1 और 1 सेम है, तो यहाँ 0 मिलेगा, पर यहाँ 0 और 1 का एक्सोर क्या होगा, हमेशा 1, और 1 और 0 का एक्सोर भी क्या होगा, 1। तो इसका मतलब सर आप यहाँ देखिएगा कि ये 1 है, ये 0 है एंड देन वापस 1 है, तो ये वी नॉट डैश का डायग्राम है। अब आपको पता है कि अगर हम जी टू के डिले को भी शामिल करें तो बस ये जो आउटपुट आने वाला था वो डिले होके आएगा, कितने डिले होके आएगा, 20 नैनोसेकंड के डिले के बाद आएगा। तो जो टी नॉट से लेके टी नॉट प्लस 10 पे आंसर आने वाला था, अब वो पूरा का पूरा आउटपुट जो होगा असली में तो 20 के डिले के बाद आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट वाले गेट में डिले है, आपने जब ये डायग्राम बनाया तो आपने डिले माना ही नहीं, आपने तो इन दोनों का डायग्राम बना दिया कि इन दोनों का एक्सोर क्या होगा, वो ये होगा, पर ये आंसर भी लेट होके आएगा, कितना लेट होके आएगा, 20 नैनोसेकंड के डिले के बाद आएगा। तो देखिए जो टी नॉट है वो कहाँ जाएगा, टी नॉट प्लस 20 पे, टी नॉट प्लस 20 पे, और टी नॉट प्लस 10 कहाँ जाएगा, टी नॉट प्लस 30 पे। तो टी नॉट प्लस 20 से लेके टी नॉट प्लस 30 तक का आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया कि अगर ऐसा है तो ऐसा डायग्राम सिर्फ एक ही आंसर दे रहा है और वो है बॉम्बे। यहाँ पर अब ये भी समझ में आ गया कि टी वन टी टू टी थ्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 10 10 नैनोसेकंड के डिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन ने ये नहीं समझाया था कि टी नोट टी वन टी टू टी थ्री क्या थे, लेकिन ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा, आपको ऑप्शन से समझ में आएगा कि वास्तव में 10 10 नैनोसेकंड के डिले है। तो हमको समझ में आ चुका है कि हमारा जो कहानी है वो टी नोट के यहाँ से चालू होता है, लेकिन जो अंतर आएगा 1 से 0 का वो कहाँ पे आएगा, टी नोट प्लस 20 पे, यानी कि टी टू टाइम पे, और फिर वापस चेंज कर देगा अपने आपको कहाँ पर, टी नोट प्लस 30 पे, यानी कि टी थ्री पे। तो यानी कि टी टू तक तो सेम रहेगा, 1 से 0 टी टू पे होगा और फिर वापस टी थ्री पे 0 से 1 हो जाएगा, यानी कि बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो आप समझ पा रहे होंगे, बाकी मैं इसका जो आपकी बुकलेट का आंसर है वो भी समझाता हूँ बस, कि कैसे क्या रखा है उन्होंने, उन्होंने कह रखा है कि सर देखिए आउटपुट ऑफ जीवन को हम एक्स भी मान लेते हैं तो वो आंसर कैसे आएगा। तो देखिए वी आई तो आपका इस तरह से टी नोट पे 0 से 1 चेंज हो रहा था, अब जो आपका एक्स है वो उसको क्या होना है, इन्वर्ट करना है, यानी कि 0 को 1 करना है और 1 को 0 करना है, तो वो टी नोट पे 1 से 0 नहीं हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, 10 नैनोसेकंड के डिले के बाद, तो यहाँ 1 से 0 हो रहा है। अब इन दोनों का जो एक्सोर है वो कैसा आना चाहिए था वैसे तो यहाँ पर, कब, विदाउट डिले, तो आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन अगर आप इसमें डिले कर देते हैं तो 20 के डिले के बाद आएगा अब, तो यानी टी नोट प्लस 20 और टी नोट प्लस 30 पर जाएगा, उसको हमने टी टू बोल रखा है और उसको हमने टी थ्री बोल रखा है। तो बहुत सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर था और आंसर बॉम्बे इसका।
तो थैंक यू यहाँ पर। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।